शाहजहांपुर में पुलिस की गोतस्करों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 3 गोतस्कर घायल हुए हैं। इसके अलावा बदमाशों की फायरिंग में 1 सिपाही को भी हाथ में गोली लगी है। घायल बदमाशों और सिपाही को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरअसल थाना तिलहर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरगिया बहादुरपुर गाँव के पास कुछ तस्कर एक गाय को वध करने के लिए ले जा रहे हैं। इसी बीच CO मयंक जैन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बहुत तस्कीन को घेर लिया। जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए ललकारा तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों पर गोली चलाई गई। इसके अलावा बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में 1 सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने मौके से 1 पिकअप गाड़ी और पशु काटने वाले औजार बरामद किए। कलकट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोप में 1 बदमाश को मुठभेड़ में ढेर किया था और आज दूसरे दिन 3 को तस्करों को मुठभेड़ में गोली लगी है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाकों में बदमाशों में दहशत का माहौल है। फिलहाल घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस मुठभेड़ हुई है गौ तस्करों के साथ में, और कितने गौ तस्कर उसमें घायल हुए हैं, किस तरीके से पुलिस कर्मी भी कुछ घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ बरामदगी, किस तरीके से मुठभेड़ हुई है सर? ये इंस्पेक्टर तेलर को सूचना प्राप्त हुई कि गौकसों का एक गैंग है जो गांव गुरगिया बहादुरपुर की तरफ गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर तेलर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां कुछ बदमाश थे जो एक गौवंश को काटने की फिराक में थे। पुलिस ने उनको ललकारा, उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने उनको चेतावनी दी आप सोनोड़ के लिए कहा, लेकिन उनके द्वारा फिर फायर किया गया जो एक कांस्टेबल अवनीश बरार के हाथ में लगा, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की जिसमें 3 अभियुक्तों के गोली लगी जिसमें वो घायल हो गए। उनको उपचार हेतु CHC भेजा गया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इससे पहले संडे को जो घटना हुई थी वो इनके द्वारा ही की गई थी। इनका एक गौकश का गैंग है, बड़ा गैंग है, उसी के मेंबर हैं। ये घायल हुए ने CHC भेजा गया जहाँ से शाहजहाँपुर के लिए उपचार के लिए इनको रेफ़र किया गया है। इनके कब्जे से मौके से 1 मैक्स गाड़ी, रस्से वगैरह तथा गौकशी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। सर बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया, क्या हालत है उनकी? वो CHC भेजे गए थे, CHC से उनको रेफ़र कर दिया गया था, उनका उपचार चल रहा है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।